एक बार के लिए आप युद्ध में न्यूक्लियर बॉम्ब से मरना पसंद करेंगे, लेकिन एक थर्मोबेरिक बॉम्ब से मरना नहीं पसंद करेंगे। आप जरा इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा बम फटता है जो कि आपके घर के दीवारों को कुछ नहीं करता है, लेकिन 100% चांस है कि आप चाहे गड्ढे को खोद के अंदर घुस जाए, चाहे किसी भी कोने में घुस जाए, वहां पर आपको मरना तय है। जी हाँ दोस्तों, यही है थर्मोबेरिक बम, और इसे वैक्यूम बम भी कहा जाता है, जो कि युद्ध के मैदान में सबसे ज्यादा खतरनाक बम माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से एक थर्मोबेरिक बम काम करता है और हमारे इंडिया को इसको बनाने में एक एक्सपर्टीज क्यों हासिल है। मुझे पता है आज से पहले आपको इस थर्मोबेरिक बम के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, और अगर आपने कहीं पढ़ा भी होगा तो किसी न्यूज में पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं पता होगा। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आपको इस चीज पर गर्व होगा, हमारे DRDO पे गर्व होगा, हमारे MIL पे गर्व होगा। हमारे पास एक ऐसा बम है, थर्मोबेरिक बम, जो कि कई सारे देशों के पास पहले से है, लेकिन हमारे इंडिया को उसको बनाने में एक तरीके का एक्सपर्टीज है। दोस्तों अभी फिलहाल अगर थर्मोबेरिक बम का सबसे ज्यादा कोई यूज कर रहा है तो वो है रशियन आर्मी, क्योंकि रशियन आर्मी अपने व्हीकल TOS-1A से छोड़ती है। दोस्तों थर्मोबेरिक बम, इसका नाम इसलिए ही पड़ा क्योंकि थर्मो मतलब होता है हीट और बेरिक मतलब होता है या तो वेट या तो प्रेशर, मतलब कि ये वेट और प्रेशर के साथ बहुत ही ज्यादा खेल करता है, और एक हीट तो होगा ही क्योंकि जहां पर ब्लास्ट होगा तो वहां पर हीट होगा। लेकिन ये प्रेशर के साथ किस तरीके से खेल करता है, क्योंकि आमतौर पर एक कन्वेंशनल बॉम्ब कहीं पर फटता है तो वो बस फट करके रह जाता है, लेकिन ये बॉम्ब सिर्फ फटता नहीं है बल्कि ये आसपास के हवा को सोख लेता है। एक तरीके से आपके लंग्स को एक बार जोर से स्क्वीज करेगा और फिर बाद में फाड़ देगा, और ये काम ना सिर्फ आपके लंग्स के साथ होगा बल्कि आपके आईज, आपके ईयर, आपके पूरे बॉडी के साथ होगा। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा लीथल है, और इसीलिए इस बॉम्ब का उपयोग करना एक समय के लिए इलीगल बोल दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार वैक्यूम बम को यूज करना किसी भी वॉर में इलीगल है। लेकिन एक बात याद रखिए, जेनेवा कन्वेंशन हो या किसी भी तरीके का कन्वेंशन हो, अगर अमेरिका को किसी चीज में फायदा है तो वो लीगल होगा, और क्योंकि अमेरिका वियतनाम वॉर और अफगानिस्तान वॉर में थर्मोबेरिक बम का खुल करके यूज किया है, इसी वजह से वो रशिया को ये भी नहीं कह सकता कि आप थर्मोबेरिक बम को यूज नहीं कीजिए। दोस्तों आमतौर पर थर्मोबेरिक बम के एक व्हीकल में आपको 25 थर्मोबेरिक बम मिल जाते हैं, जो कि लगभग 10 एकर के एरिया को कवर कर सकते हैं। लेकिन ये आखिर काम कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई जहरीले केमिकल का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि ये आपके आसपास के ही ऑक्सीजन का यूज करता है और उसे ही हथियार बना देता है। दोस्तों एक थर्मोबेरिक बम जो है बिल्कुल ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होता है, और उसमें दूसरा चीज होता है फ्यूल। फ्यूल में दोस्तों उसे भरा होता है एरोसॉल, जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। अगर उसको एक बार हल्का सा चिंगारी भी लग गया ना, तो वो आसपास के ऑक्सीजन को बिल्कुल चूस लेता है और वो बिल्कुल फट पड़ता है, और यही एरोसॉल आपके थर्मोबेरिक बम में भरा होता है। सबसे पहले एक थर्मोबेरिक बम को जैसे ही फायर किया जाता है तो वो टारगेट के पास जाकर के एक छोटा सा धमाका करता है। उस छोटे से धमाके से होता यह है कि जो अंदर का एरोसॉल फ्लूइड है वो हर तरफ फैल जाता है। यहाँ पर वो फ्लूइड भी हो सकता है या फिर पाउडर भी हो सकता है। अब वो एक एरिया में पूरी तरीके से फैल गया, उसके बाद दोस्तों होता है इसका असली खेल। इसके बाद दोस्तों एक फिर से धमाका होता है और वो आसपास का जो एरोसॉल है वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन को जला देता है, मतलब खत्म हो जाता है वहां पर ऑक्सीजन। लेकिन दोस्तों जैसे ही उस एरिया की एम्बिएंट ऑक्सीजन खत्म होती है तो आसपास के जो एयर है जिसमें कि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भरा हुआ है वो उसको भरने के लिए आती है, जिस वजह से क्या होता है कि एक वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और अचानक से जो ऑक्सीजन आता है तो फिर से बहुत बड़ा धमाका होता है, और उस बहुत बड़े धमाके के कारण अचानक से वो जो एरिया होता है वहां पर ऑक्सीजन का मात्रा इतना कम हो जाता है कि कोई इंसान वहां पर जिंदा रह ही नहीं सकता है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि आप एक न्यूक्लियर बम से मरना पसंद करेंगे, लेकिन एक थर्मोबेरिक बम से बिल्कुल भी नहीं। और थर्मोबेरिक बम की दोस्तों एक खासियत ये होती है कि इसका ब्लास्ट जो है जो कन्वेंशनल बम होता है उससे ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें तीन तरीके का ब्लास्ट होता है। एक जो सबसे पहला जो इग्नाइट करता है एरोसॉल को, दूसरा होता है जो कि एरोसॉल खुद में फटता है, तीसरा जो वापस से ऑक्सीजन आता है वो एक बार और धमाका करता है। सबसे ज्यादा धमाका जो होता है दोस्तों, जोरदार धमाका जिसे आप बोल सकते हैं, वो थर्ड धमाका है, और इसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। और इस बॉम्ब की चपेट में आने वाले इंसान के साथ ये होता है कि जैसे ही ये बॉम्ब पहला धमाका करता है और आसपास में एरोसॉल छींटता है तो आपको वहां पर सांस लेने की जगह नहीं होगी, क्योंकि ये एरोसॉल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन को वहां पर यूज कर लेता है। आसपास का वातावरण जो होता है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, जहां पर कि आप जो है सांस नहीं ले पाते हैं, और जैसे ही एरोसॉल फटता है तो बिल्कुल वैक्यूम हो जाता है। अब होगा क्या, जैसे ही वैक्यूम होता है तो आपके अंदर का भी जो हवा है एक बार में स्क्वीज होगा, और फिर क्या होता है, जो ऑक्सीजन आता है वापस से
उसको भरने के लिए वो आपके शरीर में भी आता है। वो जो अचानक से राइज होता है ऑक्सीजन का, तो वो आपके अंदर भी होता है और वो आपके अंदर के लंग्स को बिल्कुल फाड़ देता है। अगर आप एरोसोल धमाके में किसी इंसान का हालत देखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे इंटरनेट पे, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको यूट्यूब गाइडलाइन कुछ दे दे, और ये मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा कुछ भी आपको दिखाऊं जिससे कि किसी को देखने में परेशानी हो। अब दोस्तों आते हैं इंडिया पर कि इंडिया किस तरीके से इसका प्रोडक्शन कर रहा है। दोस्तों इंडिया की MIC यानी कि म्यूनिशन इंडियन लिमिटेड इसका मास प्रोडक्शन कर रही है। अब टेररिस्ट चाहे किसी गुफा के अंदर छुपे या फिर किसी बिल्डिंग में छुपे, इस थर्मोवेरिक वेपन का खासियत ये होता है कि सबसे पहले ये किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट करता है और अंदर वो एरोसोल भरता है, और बाकी का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो सेम चीज़ एक इंक्लोज्ड एरिया में रिपीट होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये वेपन जो है आपको 100% सफाई की गारंटी देता है, और इसी गारंटी की ज़रूरत है पाकिस्तान के टेररिस्टों के लिए। दोस्तों कहा जाता है कि थर्मोबेरिक बम का सबसे पहला उपयोग हिटलर ने किया था World War II में, और ये एक एक्सपेरिमेंटल बम था, इसे बनाया नहीं जा रहा था बल्कि एक एक्सपेरिमेंट में ये बन गया था, लेकिन इसे एक आधिकारिक नहीं माना जाता है। लेकिन सबसे पहला जो वॉर में यूज हुआ था थर्मोबेरिक बम वो अमेरिका ने किया था, जो कि पूरी दुनिया जानती है, और वो हुआ था वियतनाम में। तो इसी वजह से अमेरिका जेनेवा कन्वेंशन को लेकर के ये भी नहीं कह सकता है कि इस बॉम्ब का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका खुद इस बॉम्ब का उपयोग कर सकता है। और इसी वजह से इंडिया जो है इसका मास प्रोडक्शन कर रहा है कि जब समय आएगा तो इसका अच्छे तरीके से उपयोग किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।